वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा फैसला आना है, क्योंकि बड़ा दिन है। वाराणसी कोर्ट आज शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला सुनाएगा और हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और फव्वारा विवाद में कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिक जांच की अर्जी लगाई थी, जिसे लेकर सुनवाई हो चुकी है। अब आज कोर्ट का इस पर फैसला आना है। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया है। महिलावादियों में से भी एक राखी ने भी कार्बन डेटिंग का विरोध करते हुए इसे शिवलिंग को नुकसान की आशंका बताई है। तो सभी की निगाहें इस तरफ हैं कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, क्योंकि आज का अहम दिन है ज्ञानवापी मामले में और 2 बजे फैसला आना है कोर्ट की तरफ से। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा फैसला, वाराणसी कोर्ट आज शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला सुनाने वाली है। और आपको बता दें, देखिए, पक्ष में अर्जी और विरोध में अर्जी क्या कुछ है। तो हिंदू पक्ष की 4 वादी हैं पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग पर आमने सामने। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अगर आपको जानकारी दें, विरोध में जो अर्जी है, राकेश सिंह वादी नंबर 1 मुस्लिम पक्ष। तो कार्बन डेटिंग पर कौन आमने सामने है ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। मुस्लिम पक्षकार तो शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। अब पक्ष में शिवलिंग की सच्चाई जानने के लिए कार्बन डेटिंग जरूरी है, यह तर्क दिया गया है इसके पक्ष में, जबकि विरोध में शिवलिंग का कार्बन डेटिंग संभव नहीं, मुस्लिम पक्षकारों का कहना है। और कार्बन डेटिंग से खत्म होगा ये फव्वारा और शिवलिंग का विवाद, ये पक्ष में कहा गया है कि शिवलिंग की प्राचीनता का पता चलाने के लिए यह जांच बेहद जरूरी है। अब इसको लेकर फैसला आना है। शिवलिंग की सच्चाई जानने के लिए कार्बन डेटिंग जरूरी, कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को होगा नुकसान, राकेश सिंह का कहना है याचिकाकर्ता है। और पक्ष में और विपक्ष में अब 5 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, जरा समझिए इसके मायने। कार्बन डेटिंग पर यह फैसला आना है आज दोपहर 2 बजे। वाराणसी कोर्ट की तरफ से 4 महिलावादियों की अर्जी है, ज्ञानवापी मस्जिद का यह पूरा प्रकरण, पूरा मामला। विरोध इसलिए क्या है कि वो जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था दौरान कमीशन इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी वो लोग चाह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लायर हैं हरशंकर जैन जी और विश्व शंकर जैन जी, इनका कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा कार्बन डेटिंग, तो निश्चित रूप से शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, अगर वो पार्टिकल लिया जाएगा तो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से किसी भी ब्रोकन आइडल या किसी विखंडित मूर्ति का पूजा अमंगलकारी होता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है, ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। जिस चीज की कार्बन डेटिंग कराना चाह रहे हैं लीगली, उसकी कार्बन साइंटिफिक तरीके से भी और लीगली उसकी कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि कार्बन डेटिंग उसकी होती है जो कार्बन एब्जॉर्ब करता हो और कार्बन एब्जॉर्ब पौधे या जीव जंतु करते हैं। कार्बन डेटिंग के नाम पे जो देश में भ्रम फैलाया गया कि कार्बन डेटिंग की मांग किया जा रहा है, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ये जाने की तैयारी, ऐसा लोगों ने एक माहौल खड़ा कर दिया। और ये जो हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है इसका नाम ही कार्बन डेटिंग पड़ गया, जबकि हम लोगों ने कार्बन डेटिंग के लिए कोई मांग नहीं की। हम लोगों ने कहा कि कोई भी साइंटिफिक टेस्ट जांच अब करा लें, जिसमें तमाम जांच सिस्टम इनका है, रेजर लेजर सिस्टम है, रडार टेक्निक है।